नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिजात अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के किसान नेताओं की महापंचायत खत्म हुई। उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए। किसान आंदोलन जो 5 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 2021 को शुरू खत्म हो गया था। एक लंबे 12-13 महीने तक ये आंदोलन चला था और इस आंदोलन अब तक दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए उन्हें भारत का ये 13 महीने चलने वाला किसान आंदोलन सर्व अग्रणी रहा। जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन और इसमें लगभग 750 किसान मरे, बल्कि मरे नहीं कहना चाहिए, 750 किसान शहीद हुए और 9 दिसंबर 2021 को 378 दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों के आगे हाथ जोड़े। हाथ भी जोड़े तो कैसे जोड़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब था, इसलिए उन्होंने बोला मेरी शायद तपस्या में कमी रह गई है और उन्होंने यह कहकर तीनों काले कानून वापस लिए। और तीनों काले कानून वापस ही लेना खाली आंदोलन का आधार नहीं था, आंदोलन का आधार यह भी था कि एमएसपी कई मांगे थी कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए और जो 750 किसान शहीद हुए उनके परिवारों को सहायता दी जाए, मुआवजा दिया जाए, तो ये तमाम चीजें थी। मगर क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी आंदोलन को कुचलने में माहिर आ गए। ये कई बार उन्होंने शाहीन बाग के जो सीए के आंदोलन था उसको उन्होंने कुचल डाला कोरोना के बहाने, ऐसे कई आंदोलन इन्होंने कुचल डाले, ध्यान ही नहीं देते। उन्हें ये लगता है ये आंदोलन मेरे खिलाफ हो रहा। एक्चुअली किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ये डेमोक्रेटिक पैटर्न है, ये प्रजातंत्र है जिसमें जो असहमति होती है उसको सम्मान दिया जाता है। हम सरकार से मांग, कोई सरकार से मांग करता है, आंदोलन करता है कि भाई हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अब सरकार कोई ऐसा तो नहीं कि बड़नगर अहमदाबाद या सूरत में ही जन्म लेती है, या सरकार का जो खजाना है वो राजकोट का ही है, खाली गुजरात का ही है। अरे तो पूरे देश से टैक्स आता है, पूरे देश के लोगों की हितों की संरक्षण के लिए ये खजाने होते हैं और आंदोलनों के समय जो सरकारें होती हैं मांगों को ध्यान में रखती हैं और मांगों को फिर आगे उनको पूरा करने के लिए अपने खजाने को या कुछ और बातें वो करती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, मैं ये बात इसलिए अभी आज मैंने ये बात इसलिए शुरू की क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही किसानों की महापंचायत खत्म हुई जिसमें किसानों में एक्चुअली कई भागों में बट गया था। मोदी जी इसमें भी माहिर हैं। जब विश्व हिंदू परिषद का जो है कुछ होता है, हिंदू महासभा का, तो तुगड़िया को किनारे हटा के अपना अध्यक्ष बना देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी उसी तरह आंदोलनों को भी कुचल देते हैं। तो आंदोलनों को उन्होंने, जब आंदोलन को 378 दिन बाद वापस लिया तो उस समय इन्होंने बोला था चलो तीन काले कानून वापस लिए, अब एक कमेटी बना देते हैं जिसमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, एमएसपी पे गारंटी दी जाएगी और बहुत सारी चीजों का वचन दिया नरेंद्र मोदी ने। और उस कमेटी में सरकारी अधिकारी भी थे, सचिव भी थे, किसानों के नेता भी थे और कुछ सिविल सोसाइटी के भी लोग। लेकिन फिर क्या हुआ, किसानों के नेता, किसान बहुत भोले होते हैं, उसमें राकेश टिकैत ऐसे राजनीतिक आ जाते हैं जो आंदोलन बेच डालते हैं, कुछ किसान नेता भी बेच, और नरेंद्र मोदी खरीदार बड़े अच्छे हैं, वो अजीत पवार हो या शिंदे हो या कोई भी हो या मायावती हो या दूसरे तमाम दलों के चिराग पासवान हो, ये सारे दलों में विधायकों को और इन सबको खरीदने में माहिर है। खैर, हम अभी किसान आंदोलन पे ही रहना चाहते हैं।
क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है और शायद अगले 23 तारीख से, अभी उनका प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ, मुझे ऐसे आता है मैं उसको बताता हूँ, अगले 23 तारीख से कोई ईशान। तो अभी ये शंभू बॉर्डर में, पंजाब के, हरियाणा के, तमाम बॉर्डर्स में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डर में किसान बैठे हैं और उन्हीं की आज महापंचायत थी रामलीला मैदान में। वो जो किसान आंदोलन 5 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, आज चौथा साल है, बीच में तो उन्होंने रोक लिया था 13 महीने के बाद, लेकिन उसके बाद कोई उन्होंने कमेटी की बैठक नहीं की, आज वो आंदोलन फिर शुरू हो गया। तो वो आंदोलन पिछले समय में जैसा था अभी इससे ज्यादा शुरू हुआ। अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने तो थोड़े दिन पहले इजराइल का युद्ध देखा, यूक्रेन का, रूस का युद्ध देखा, सब देखा, लाइव देखा। आजकल डिजिटल इंडिया में हमें लाइव दिखाई पड़ता। तो जब हम पिछले दिनों शंभू बॉर्डर पर हम लोग देख रहे थे कि ड्रोन से अश्रु गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, 9-10 किसान मर भी गए। ईशान, ये जो किसान आंदोलन का दूसरा सत्र है इसमें भी किसान मरे। तो खैर, अभी वो अश्रु गैस किया, इन्होंने कटीले तार लगाए, 1.5-1.5 फीट के इन्होंने कीले लगाए, दोनों से अश्रु गैस से गोले खोले, मैंने बताया, खाइयां खोदी, दीवारें खड़ी की, सड़कों पे कीले, कोई दिल्ली नहीं आए, क्योंकि दिल्ली आओगे तो आंदोलन होगा और आंदोलन मोदी जी को पसंद नहीं। संविधान में वर्णित है आंदोलन, और ऐसी चर्चा है कि संविधान बदलने की ओर अग्रसर है नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए सिविल सोसाइटीज और दूसरी तमाम पार्टीज, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन ये चाहते हैं कि हमारा भारत का संविधान बना रहे, और इसीलिए अब एक भूमिका बन चुकी है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी असंभव हो चुकी है। तो किसान आज भी आंदोलन पर हैं, मगर उन्हें दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया जा रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सभी प्रदेशों के किसानों में असंतोष है। और आप ये नोट कर लीजिए, ये जो करोड़ों किसानों की संख्या है, ये 2024 के चुनाव में बटन दबा के, मैं तो कहता हूँ थप्पा लगा के, क्योंकि मुझे तो अभी ये आशा भी है कि शायद बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो ये किसान आंदोलन की परिस्थितियां हैं, और ये अब मोदी के खिलाफ वोट देने के लिए अग्रसर है। तो मैं किसान आंदोलन की हल्की सी चर्चा करने के साथ ही आज का विषय मैं अचानक ही थोड़ा सा विस्तृत करता हूं कि मोदी जी की 3 परेशानी, किसानी, अडानी और जवानी, मोदी जी की 3 परेशानी। चलिए आइए इस पर बात ही कर ले। किसानी की तो कर ली, किसानी का मतलब किसानों की बात, वो मैंने बता दिया आपको। आप किसान पूरे भारतवर्ष में, तमाम प्रदेशों के किसान इनके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं 2024। तो किसान आंदोलन और किसान का वोट नरेंद्र मोदी जी के अभी दिमाग का बहुत बड़ा बोझ बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लोकसभा 2024 के चुनाव जब आदल सिर पर मंडरा ही रहे हैं, और मोदी जी, जो मैंने बोला अभी, किसानी के साथ और कौन सी परेशानियों से गुजर रहे हैं। मोदी जी सबसे बड़ी शायद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से गुजर रहे हैं। 2014 और 2019 में उनके पास चुनावी मुद्दा था, 2014 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिना रहे थे, 2G 3G, दमाद जी, फला जी, फला जी, कोलगेट, जो सब सुप्रीम कोर्ट ने बताया सब फ्रॉड है। इसके बाद 2019 में आपके पास मुद्दा था राष्ट्रवाद का, पुलवामा वाला कोर्ट का, वो हो गया था। लेकिन अब 2014 और 20 की तरह, 2019 की तरह इनके पास 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। 2024 की अपनी चुनावों की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल सकते, अच्छे दिन आएंगे, जनता चिल्लाती थी आएंगे। अब मोदी किसी बैठक में जाकर बोल रहे, किसी मीटिंग में, कि अच्छे दिन तो उनको जवाब मिल जाएगा। कितने अच्छे दिन 10 साल में आपने लाए हैं देश के, ये पूरा देश जान गया है। 70 साल में 60 रुपए पेट्रोल पहुंचा और आपने 9 साल में उसको दुगना कर दिया।
खाली पेट्रोल की बात ही नहीं है, खाद्य पदार्थ खाद्य तेल को भी महंगाई बढ़ा दी, क्योंकि वो अडानी बनाता। तो और आपके जितने कारपोरेट के मित्र हैं आप उनको जो है मदद करते हैं, और आप बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं देश के आम जन हैं उनके खिलाफ आपका एजेंडा रहता है। तो अभी पिछली बार आपके पास था कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो आप वो नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी 27 दल और खड़े हो, वो 27 दल कांग्रेस के अगल बगल, आपने तो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त का, फिर क्या हुआ? आपकी कर्नाटक की सरकार कांग्रेस ने ले ली, तेलंगाना की सरकार कांग्रेस ने ले ली, हिमाचल में आपको दो तिहाई बहुमत से हरा दिया, एमसीडी आपसे दिल्ली छीन ली इंडिया अलायंस ने। तो इंडिया अलायंस के रूप में आज कांग्रेस लीड कर रही है 27 दलों का, और इन्हीं 27-28 दलों को 2024 में चुनाव लड़ेंगे, और यही आपके माथे की सबसे बड़ी, आपके पेशानी में सबसे बड़ी एक धार है, सबसे बड़ी लकीर है। इसी इंडिया गठबंधन ने मोदी जी की नाक में दम कर रखा है। आइए इस इंडिया गठबंधन के अलावा जो तीन मुद्दे मैंने अभी, किसानी मैंने बात करी, जो किसानी से ही मुझे अभी अचानक लग रहा है कि किसानी से जुड़े दो मुद्दे और, वो किसानी तो इनकी नाक में दम करने वाला है, कस्बे और गांव ठीक है, शहरों में उसका प्रभाव बहुत कम होगा। हालांकि आज आज हम देखते हैं, मैं बंबई में हूँ और मैं देखता हूँ कि बंबई में भी हर किसान के घर के लड़के कमाने गए हैं, हर 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 लड़के जो है कोई बंबई आए हैं, कोई दिल्ली गए हैं, कोई दूसरे लखनऊ गए हैं, कोई जयपुर गए हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं। आपने बड़े उन्हें खालिस्तानी बोला था, उन्हें लग रहा था कनाडा का पैसा किसानों को लग रहा है, ठीक है ठीक है, आपने बोला कनाडा का पैसा, कनाडा में उनका बेटा रहता, वो वहाँ बिजनेस करता है, वो नौकरी करता है, उसने देखा हमारे दादा या हमारे पिताजी अनशन पे बैठे हैं, तो वो फ्लाइट पकड़ कर आया और आके वो भी अनशन पे बैठा, उसने देखा जाड़े का समय है तो उसने अगल बगल दीवार उठवा दी, कच्ची दीवार, और अंदर ब्लोअर लगवा दिया। 750 किसान मरे, अगर कनाडा से लौट कर आया बेटा अपने पिता या दादा की सुरक्षा के लिए कुछ चीजें करता है तो क्या आपको प्रॉब्लम है? आप आपकी मीनाक्षी लेखी अच्छा टिकट काटा, वो तो कहती थी खालिस्तानी है, भाई पिज्जा खाते हैं बर्गर खाते हैं, क्यों ना खाएं पिज्जा बर्गर, खाली स्मृति ईरानी की बिटिया ही खा सकती है, रविशंकर प्रसाद की बिटिया खा सकती है, खाली जय शाह खा सकता, और पिज्जा कौन सी बड़ी बात हो गई पिज्जा बर्गर? अगर वो किसानों के बच्चे खा लेते हैं, किसानों के बच्चे अपने माता पिता के लिए एक बेहतर, जो बाहर नौकरी करते हैं, एक बेहतर जीवन शैली अपने माता पिता के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि किसान गरीबी में ही पले, किसान ऐसे ही ठुठुकता रहे, किसान ऐसे ही एक एक सदरी के लिए परेशान रहे? आज किसान अपने लिए संघर्ष करता है, और मैंने अभी शुरुआत में ही बोला कि दुनिया के जो सबसे बड़े आंदोलनों में भारत का किसान आंदोलन भी ये रहे। तो किसानी मोदी जी की नाक में दम कर चुकी, किसानी का मतलब किसान आंदोलन, किसान, इन सब लोगों ने इनकी नाक पे दम कर। आइए अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, अडानी, किसानी के बाद अडानी। अब अडानी क्या है किसी भी देश, अभी आप एक बात सुन सकते हैं, एक मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, किसी भी देश के, मैं हमने भी भाई चलिए हमने बहुत ज्यादा जितना भी पढ़ा है, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को, मैंने ही अपने देश के 12-13 प्रधानमंत्री देखे, लाल बहादुर शास्त्री को थोड़ा देखा, उसके बाद इंदिरा गांधी और सारे प्रधानमंत्री देखे, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री एक व्यापारी को बचाने के लिए पीछे पड़ा हो। बाबरे शर्म है, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री की पार्टी, कोई दुनिया में ऐसा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है जो एक व्यापारी को बचाने के लिए संसद से 146 सांसदों को निकलवा दे। कभी सुना है आपने? एक अडानी का नाम ले लिया संजय सिंह ने, अडानी का नाम लिया तो उनको जेल भेज दिया, आज तक को जेल में,
आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो तो बोलते थे कि ये जो पैसा, जो अडानी के पास पैसा है वो मोदी का पैसा है, अडानी तो मैनेजर है, मोदी पैसा कहाँ से लाए वो तो पता चल जाएगा। अभी मोदी जी फंस रहे हैं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा गणित सामने आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अडानी ने, अंबानी ने, या जिन लोगों को ठेके मिले हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, उनको जो है 15,000 करोड़ का ठेका मिला तो उन्होंने कितने पैसे का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को। तो महुआ मोहित्रा बोली अडानी के खिलाफ, उसकी सदस्यता आपने छीन ली। राहुल गांधी बोले तो उनकी सदस्यता भी छीनी, उन्हें 2 साल की जेल भी कराई और साथ में उनका घर भी छीन लिया, आपने घर से बेघर कर दिया, क्योंकि तुम अडानी का नाम क्यों ले। तो अडानी का नाम, मैं बोलता हूं ये भी विश्व रिकॉर्ड है कि किसी भी देश का प्रधानमंत्री एक व्यापारी को बचाने के लिए इस स्तर तक गिरेगा, एक व्यापारी को बचाने। क्या ये शक करता है कि अडानी का, संजय सिंह की बात, अडानी के पास जो भी पैसा है वो नरेंद्र मोदी का, वो तो बोलते हैं दोनों ने मिलके खाई मलाई। हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर नहीं जाते, हम हिंडनबर्ग की विदेशी रिपोर्ट है मैं नहीं जाता हूं, उसकी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन ये तो बताना चाहिए ना, जो शेल कंपनियां हैं, जो छद्म कंपनियां हैं, जो नकली कंपनियां हैं, अडानी के भाई विनोद अडानी, वो क्या कर रहे हैं? क्या इन शेल कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे? क्या उन्होंने भाजपा को चंदा दिया? ये सब अब खुलेगा। एक तरफ तो मोदी जी ने बड़ा, देखिए पिछली सरकारों ने, स्वतंत्रता के बाद की सरकारों ने पूरे देश में 55,00,000 करोड़ का कर्जा किया। मोदी जी आए हैं 9.5 साल से, इन्होंने 150,00,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, लेकिन उस कर्जे का किया क्या ये तो बताइए ना। कौन सी विकास की गंगा आपने बना बहा दी? आपने तो हमको तेल भी जो 60 रुपए मिलता था लीटर मनमोहन सिंह के समय, वो 150 रुपये खाने का तेल हमें खिला दिया। आपने गेहूं चावल महंगा कर दिया, आपने आटा महंगा कर दिया, तो ऐसे भी आप हमसे महंगा करके टैक्स कमा रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, मजदूर तक से जो जीएसटी लेते हैं, जो रोजनदार है, जो सुबह सुबह जाता है नौकरी करता है, उसको रात में 150 रुपया मिलते हैं मजदूर को, तो वो जाता है 30 रुपए का तेल खरीदता है, 5 रुपए का नमक खरीदता है, ये खरीदता है, तो जो तेल खरीदता है वो 250 ग्राम या कितना 200 ग्राम उसका जो बोतल खरीदता है उसमें जीएसटी देना पड़ता है, तो रोज कमाने वाले 100-150 वालों से भी आप जीएसटी वसूलते हो, उसके बाद 150,00,000 करोड़ कर्जा भी ले लेते हो दुनिया भर से, विश्व बैंक से और बाकी तमाम IMF वगैरह, और वो कर जाता कहाँ है वो, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो ये तब मालूम पड़ता है कि आप कर्जा तो लेते हो आप दुनिया से, भारत के लिए, इंडिया के लिए, कि भाई भारत देश पे कर्जा हो गया, हम और हमारे बाद की पीढ़ियां छुपाती रहेंगी, लेकिन कर्जा आप माफ करते हो 13-14 लाख करोड़ अडानी अंबानी का और दूसरे कारपोरेट का। यानी एक तरफ तो आप कर्जा हमारे ऊपर, देश के ऊपर चढ़ा रहे हैं, और अपने दोस्तों का कर्जा आप उसी पैसे से माफ कर रहे हैं। बड़ा बड़ा ये मतलब दोगला फेस है, डबल फेसेस, नरेंद्र मोदी इज इन डबल फेसेस। आप कर्जा लेके हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा रहे हैं, और उसी कर्जे से आप अपने दोस्तों का, बैंक का कर्जा माफ कर दे। तो ये तमाम है। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि गौतम अडानी 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि आज अभी महापंचायत खत्म हुई किसानों की, तो किसानी और किसानी के बाद अडानी। कई सांसदों ने तो यहाँ तक कहा है कि गौतम अडानी चुनाव में, जब देखेंगे कि चुनाव में अडानी जी, मोदी जी हार रहे हैं, तो उसके पहले ही वो देश छोड़ के चले। मोदी अडानी ने मिलकर खाई मलाई, ये संजय सिंह नारा लगाते रहे,
जैसे ही जैसे चुनाव धीरे धीरे पास आता जाएगा, अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता चला। भ्रष्टाचार का मुद्दा अडानी का है नहीं क्या? आप नरेंद्र मोदी बचा रहे हैं उनको। आप बताइए, बंबई का एयरपोर्ट कैसे लिया? बंबई का एयरपोर्ट उन्होंने लिया, ये जिन रेड्डी बंधुओं के पास था उसको जाके इनकम टैक्स ने डराया, उसको जाके सीबीआई ने डराया, उसको जाके ईडी ने डराया, रोज जाके वहां खड़े रहे। और एक वो हार गए, भैया हम तो बेकारी फंस गए। और उन्होंने कहा हम तो बेच, हमको ये एयरपोर्ट नहीं चाहिए। जब उन्होंने कहा हमें बेचना है तो अडानी का आदमी भेज दे, यानी अडानी को धंधा दिलाने के लिए, अडानी को एयरपोर्ट दिलाने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसी काम करती है, सीबीआई काम करती है अडानी के लिए, देश के लिए नहीं करती है। सीबीआई ईडी काम करती है गौतम अडानी को धंधा दिलाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब श्रीकोट्टम वो कौन सा आंध्रा का था, वो एयरपोर्ट भी आपने ऐसे ही खरीदा। हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट कंपनी थी उसको भी आपने ऐसे ही खरीदा, इसे हड़पा अडानी ने। अडानी इसी तरीके से कोल माइंस में भी कब्जा करते हैं। अडानी को तो सबसे बड़ा खेल ही ये था कि हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में कब्जा करें, क्योंकि वहां कोयले की खदानें हैं। और ऐसा कौन सा धंधा है इस देश में जो अडानी नहीं करता? अडानी बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है और झारखंड में उसका सेंटर बनाया हुआ, कोयले की खदानें वहां हैं, और अडानी इंडोनेशिया से कोयला मंगाता, और दूसरे कोल कंपनियां हैं, जो दूसरी जो बिजली कंपनियां हैं उनको प्राइवेट में कोला खरीदना कंपलसरी है। ये कौन सा भारत में है ना कोला है, कितना कोयला है, हमारी खदानों में बहुत कोयला। लेकिन चूंकि अब अडानी बाहर से मंगाता है तो अडानी के कोयले को भी कंज्यूम करना है ना। अडानी तो अडानी गौतम अडानी तो दमाद है भारतवर्ष की सरकार, उसके लाभ के लिए सारी चीज की जाती। श्रीलंका में क्या हुआ हमने देखा नहीं क्या? हमें याद नहीं है क्या? महेंद्र राजपक्षे ने बोला भैया ये तो दिलाना पड़ेगा, बिजली का वो खरीदना पड़ेगा अडानी से, क्योंकि मोदी जी का फोन आया। यही हाल बांग्लादेश में हुआ कि वो आप महंगे में बिजली दे रहे थे, मगर वहां की राष्ट्रपति ने बोला हमें अगर भारत के कुछ लाभ लेने हैं तो हमें गौतम अडानी की बिजली खरीदी। अरे भाई गौतम अडानी भारत देश थोड़ी ना है, सिंपली एक गुजराती व्यापारी है। और वो खुद बोलता है कि जब अमित शाह और हम कुछ 50,000 जाने कितने में लेकर हम फैक्ट्री चलाते थे, आज कितने 20-25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। हमें उससे मतलब नहीं है आप बिजनेस पे। सवाल ये है कि उसमें भारत का कितना है, भारत सरकार का कितना है? आप खूब कमाएं, आप खूब अर्न करें। बड़ा एक और रिसर्च आई थी, मुझे अचानक याद आती कि टाटा ने के पास 4-4.5 लाख कर्मचारी, उसी तरह अंबानी के पास भी कुछ लाख कर्मचारी, केवल गौतम अडानी है जिसके पास केवल 37,000 कर्मचारी। मतलब तू रोजगार भी नहीं देता, पैसा भी लेता है भारत के आदमियों का, भारत की जनता का, घोटाले भी करता है, बैंक आपका कर्जा भी मोदी जी के आदेश पर माफ करता है, और उसके बाद हम लोग को आंख भी दिखाता है। तो ये पहला मुद्दा बनने जा रहा है किसानी के बाद अडानी। तो जैसे जैसे ही चुनाव पास आएगा वैसे तमाम शेल कंपनियां और उनकी तमाम तमाम पोल सामने आती चली जाएंगी। तो अभी मैं चलता हूं तीसरे और अंतिम अंतिम पड़ाव पर। किसानी, अडानी और जवानी। अब चूंकि मैंने इसको रिदम में रखने की कोशिश की, जवानी का मतलब है युवा लोग, जवानी का मतलब है बेरोजगार युवा, उनकी जो जवानी बेकार हो रही है। आज भारत 46 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है भारत, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े बोलते हैं।
2014 में नरेंद्र मोदी आए थे घूमते घूमते, पंद्रह लाख देंगे, 15 लाख तो देंगे, वो तो छोड़ो खैर, वो उनके हजारों झूठ में ये भी झूठ था, इन्होंने ये बोला 2 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ नौकरी, यानी आज तक हमको हमारे बच्चों को युवकों को देश के जवानी को 10 करोड़, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए, मिली कितनी, 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंची, कैसे नौकरी मिले, नौकरियां नहीं दी गई, आपको नौकरी देने में लगता है कि आपकी जेब से पैसा निकल रहा, बटनगर के रेलवे स्टेशन के खजाने से पैसा निकल रहा, नरेंद्र मोदी को तो ये लगता, और नौकरी देंगे कहाँ आप, जो पीएसयूज हैं इंडिया के, एससीएल है, ओएनजीसी, फला फला, वो सब तो आपने बेच लिए, आपने अगर अडानी को एयरपोर्ट बेचा है तो अडानी एयरपोर्ट में किसको रखेगा, अगर टाटा को आपने एयर इंडिया दिया है तो उसमें ना तो रिजर्वेशन देगा, आरक्षण देगा दलितों को, ओबीसी को, और अपने हिसाब से कर्मचारी रखेगा, जहां एयर इंडिया में कई लाख कर्मचारी काम करते थे, आप 2000, 4000, 5000, 10000 पे आ जाए, नौकरियां कम हो रही, और प्राइवेट हाथों में पीएसयू बेच दे रहे हैं, रेलवे में कितनी नौकरियां रिक्त हैं, आप नौकरी की वही नहीं निकलती, मुझे याद है कमलापति पर मैं बहुत छोटा हुआ करता था स्टूडेंट, तो कमलापति त्रिपाठी तब रेल मंत्री थे, तब मैं लखनऊ गया था तो मैंने देखा था वहां पर बड़ी भीड़ लगी थी उनके घर के सामने, तो अब मैं इतना वो नहीं था, तो मालूम पड़ा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जगह निकल ले, सोलो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जगह निकलने के लिए कितना उत्सव जैसा था होता था, आज इस जवानी को बर्बाद करके नरेंद्र मोदी नौकरी नहीं निकाल ले, रेलवे की नौकरी नहीं निकाल ले, नौकरियां लाखों वहां पर पड़ी हुई, और मैं आपको एक सीन बता रहा हूं, दृश्य बता रहा हूं, और हमने देखा है गांव में, बरात शादियों में भी गांव और जब जाता रहा कानपुर से तो वहां देखता था वो लोग सुबह दौड़ रहे हैं, तो गांव में दौड़ रहे हैं कस्बे की ओर भाग रहे हैं, और वहां किनारे खेतों में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पंजाब बिहार यूपी झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन जगहों के जो युवा थे, जो वहां की जवानी थी, वो सुबह सुबह दौड़ लगाती एक्सरसाइज के लिए दिखती थी, क्योंकि उनके पास सपना होता था सेना में भर्ती का, कि हम सेना में भर्ती होंगे और हमारा पूरा जीवन, उनका उद्देश्य होता था, उनका सपना होता था, उनके जीवन के उद्देश्यों में, जैसे हमारे जैसे लोगों ने अगर कोई सपना देखा होगा तो उसमें ये शामिल रहा होगा, मेरा लेखन, मेरा अध्ययन, मेरा ये सब शामिल रहा होगा ना, मेरा सपना ही मुझे गढ़ता है, तो मैंने उनसे जो बात की थी और जो मैंने उनको जाना पढ़ा देखा, तो एक बात तय है कि उनका सपना होता था, उसमें देश सेवा एक मिशन थी, देश सेवा भी शामिल थी, कि हम देश की सेवा करेंगे, हम मिलिट्री में जाएंगे, और हर परिवार का एक गौरव हुआ करता था, जिस घर का बच्चा मिलिट्री में होता था उस परिवार को अतिरिक्त तो इज्जत गांव में मिलती, समाज में मिलती, वो ड्रेस पहन के आता तो पूरा गांव स्वागत करता छुट्टियों में, अब आपने वो सारा का सारा गौरव छीन लिया, क्यों छीन लिया, वो नौकरी नहीं देनी आप, ना रेलवे की नौकरी देंगे, ना सेना में नौकरी कर देंगे, अब अग्निवीर के नाम से आपने 4 साल की नौकरी देना, सेना की 4 साल की नौकरी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे अभी पिछले महीने अचानक फिर याद आया, इसी महीने मैंने और बड़ा लाइक किया आप ही दर्शकों ने पाठकों ने मेरे, और 46 मिनट का वीडियो है वो प्रेस कान, दो वीडियो हैं, दो बड़े बड़े मिलिट्री के अधिकारियों की वो है, मिलिट्री के अधिकारियों की प्रेस कान, उन्होंने साफ बोला आप क्रिमिनल बना रहे हैं क्या, आपने हमको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी, आपने गोली चलाने की ट्रेनिंग दे दी, आपने सुबह 3-4 घंटे दौड़ाया मुझे, आपने मुझे एक्सरसाइज कराई, मेरे शरीर को बलवान बनाया, मुझे आक्रामक होना सिखाया, और जब मैं आक्रामक हो गया, बलशाली हो गया, तो आपने मुझे नौकरी से हटा दिया, तो क्या मैं ये शक्ति समाज के लोगों पर उपयोग करूं, तो सेना के वो अधिकारी ने बोला था
कि आप क्या क्रिमिनल को पैदा कर रहे हैं अग्निवीर के माध्यम से। तो पिछले दिनों मैंने अपने यूट्यूब में ऐसे दो डाले हैं, मैंने मतलब वीडियो डाले, मैं एकदम अचानक उनमें खो गया, क्योंकि सेना के अधिकारी बोल रहे थे ये हमारी मर्जी के से नहीं आया, या आप नरेंद्र मोदी की मर्जी से आया, और साफ था कि ये कम से कम उनको आप 20-24 अब क्या बोलूं, मतलब अभी उनमें से कितनों की बात की, अभी मैं आपको एक और वीडियो की बात कर रहा हूँ, एक और सत्य की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ सुना, मैंने टेलीविजन में देखा, इधर देखा, मुझे वीडियो मिले कि भारत के लड़के नौकरी करने इजराइल जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं इजराइल, इसराइल में सेना में नौकरी करने जा रहे हैं। वाह वाह, शर्म है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेम शेम कि तुम्हारे देश के नौनिहार, तुम्हारे देश के आत्मसम्मान और बल से भरे युवक, उनको तुमने अपनी सीमा की रक्षा के लिए नहीं नियुक्त किया, क्योंकि उनको आप तनख्वाह देनी पड़ती, आपने उनको शॉर्ट कर दिया उनकी, और आपने अब वो नौकरी करने अभी इजराइल जा रहे, इजराइल की सेना में नौकरी कर, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, शरीर बनाया, ये किया, तो जाके इजराइल में नौकरी करेंगे। तो ये है भारत की जवानी, किसानी, अडानी और जवानी, जवानी को पंगु बना कर रखा हम जंतर मन। अरे भाई आप देख लीजिए, मैं आपको यूपी का, यूपी की एक उदाहरण दे रहा हूँ, पिछले ही 2-3 हफ्ते पहले का, 10,000 सिपाहियों की भर्ती थी और 70-80 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। बाप रे, इतना सुन के ही डर लगता है, 10,000 नौकरियां, कल का क्या होगा, हमारे बच्चों के बच्चे नौकरियां अगर ढूंढना चाहेंगे तो मिलेगी भी कि उनको, उन्हें क्या बताया जाएगा कि ऐसी नौकरियां होती थी। अगर ये सरकारें फिर चलती रही मोदी जी जैसी, तो नौकरियां कहां खत्म कर देंगे सरकारी में। तो वो 70-80 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, और मोदी जी की वहां पर डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की, योगी जी तो आजकल वहां मोदी जी को हराने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी अगर जीते, हालांकि जीतने वाले नहीं है योगी जी, आप निश्चिंत रहिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलावा भी भारत है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद हम हरा देंगे, हरा तो देंगे ही, जनता हरा देंगे। तो 70-80 लाख लोग, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन पर लाठीचार्ज, आप बेरोजगार ऊपर लाठीचार्ज बेचारे, मैं देखता हूँ, मैं अपने गाँव से देखता हूँ कान, कि वो सुबह से 2 रोटी लेके और गुड़ लेके चलते हैं, और कोर्ट में केस है तो आते हैं कानपुर की कचहरी, और वही 2-3 रोटी होते हैं, प्याज होता है, गुड़ होता है, और वही बैठ के खाते हैं और केस लड़ते हैं, या कोई और काम से आते हैं, अपनी बिटिया के लिए फॉर्म लेने आते हैं नौकरी का, या अपने और दूसरे कामों से आते हैं। तो उन पर आप उन बेरोजगार युवकों पर लाठीचार्ज, उन किसानों पे तुमने ड्रोन से हमला किया, अरे भाई शर्म आनी चाहिए यार, हमला ही है, प्रतीक भी होते हैं, आपने ऊपर ड्रोन से हेलीकॉप्टर से बम गिराया, वो तो यूक्रेन की लड़ाई में हमने देखा था, वही कमोबेश दृश्य था, मरे लोग, घायल हुए, कुछ की आंखें गई, और युद्ध क्या होता। तो आपने उस ढंग से युद्ध किया, तो उनको उनको सब उनके, और देखिए तुर्रा ये कि पेपर भी लीक कर दी, पिछले कई वर्षों से ये जो पेपर लीक गैंग चल रहा है, ये कौन चला रहा है आप पता करिए, किस स्टेट से चल रहा है, गुजरात से चल रहा है या किसी और प्रदेश से, तो उन, उन तो ये बेरोजगारी की हालत, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया और वो जाने कौन कौन इंडिया, स्वरोजगार योजना और जाने क्या क्या शुरू तो कर देते हैं, और वो कब खत्म होती है उसका रिपोर्ट भी नहीं लेते, वो तो उनका सबसे बड़ा धंधा जो है
वो है विधायक खरीदना, सांसद खरीदना, दूसरे की पार्टी तोड़ना। नरेंद्र मोदी का ये है। और देश चलाना है तो 150 लाख करोड़ ले लिया और 10-20 लाख करोड़ ले लिया बाहर से कर्जा। वो चाणक्य ने बोला है ना कहीं किसी से कि उधार लेके घी पीना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी उसके जो है समर्थक है। तो इन्होंने किसानी से पंगा लिया है, किसानों का वोट उनका चला है। अडानी के माध्यम से इनका पूरा भ्रष्टाचार उजागर हो गया है और अडानी का नाम अब गांव गांव में भी लोग जानते हैं। अपने गांव में बहुत कोने में चले जाए तो भैया यू अडानी को आए, अडानी बड़ा पैसा कमाए, वो सब ये पूछते हैं, फोन करके पूछते। गुजरात का आदमी है, भ्रष्टाचार से कमाया है, ऐसा वो पूछते। तो किसानी इनको सफा करने वाली मोदी जी, दूसरा अडानी, अडानी से जुड़े, अडानी ने जो खरीद डाला सारा कुछ देश का, बनाया था 70 साल में दूसरी सरकारों ने, चाहे वो नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मोरारजी देसाई, चाहे जो सरकारें थी जिन्होंने बनाया, मोदी ने बेचा किसको? अडानी। तो ये तो दूसरा मैं आपको यही बता दूं, किसानी, किसानी के बाद अडानी और अडानी के बाद जवानी, ये जो बेरोजगारों की फौज है हर प्रांत में, नरेंद्र मोदी जी को यह बुरी तरीके से हराने वाली, बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आपको ये तीनों लोग हराएंगे। किसान हराएंगे, अडानी से पीड़ित लोग हराएंगे, और तीसरा जवानी यानी बेरोजगार लोग हराएंगे। और बेरोजगार एक खाली बेरोजगार नहीं होता, बेरोजगार का मतलब, अब आप क्या सोचते हैं, मैं आपको एक बड़ा दुखपूर्ण बता रहा हूं। आप तो बोलते हैं आप राशन देते हो, वो जो लड़का बेरोजगार बैठा है उसके बाद घंटों बैठ के रोने का मन करता है, वो कहता है अभी बताओ। हमने कहा तो तुम जा, अभी मैं गया था तो उन्होंने कहा बैठा रहा तुम, तो कहले हमें भी ले चलो आप बम्बई। अच्छा यहाँ क्या करते? कहले यहाँ क्या करते, कहले बीए करके बैठे हैं 3 साल, नौकरी के लिए फार्म का पैसा नहीं होता, बप्पा से बोलते हैं कभी 50 रुपया 100 रुपया नौकरी का फार्म लेने के लिए, तो बेचारे ऐसे निकाल के देते हैं तो बड़ा दर्द होता कि नौकरी का फार्म भर, अरे कम से कम फार्म तो फ्री कर दो यार नौकरियों के लिए, अलग नौकरी नहीं दोगे तो कम से कम झूठा सपना तो ले लेके वो जीते रहेंगे। और वो उसके बाद जो है आगे में बढ़ा, मैं तो जो जानना चाहता था तो उसका मैंने दर्द देखा। हमने कहा ये कहाँ जा रहे हैं तुम्हारे बप्पा, कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ गए हैं? तो कहले वो राशन लेने गए फ्री का। कहले इस आदमी ने हम लोग को अपंग बना के रखा, भिकमंगा बना के रख दिया, फ्री राशन ले लो नौकरी हम नहीं देंगे, और फ्री राशन लोगे तो वोट हमको दो। और कहले हम तो हम जवान हैं, घर के मतलब युवा सदस्य हैं, तो हमें तो लगता है कि हम बड़े हो, हम थोड़ा सा कमाने लगे तो अपने माता पिता का की सहायता करें, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरे अपने पिता को जब देते देखते हैं जाते हुए कि वो 4 झोला उठा के अनाज लेने जा रहे हैं तो बड़ी ग्लानि महसूस हो, लगता है डिग्रियां फाड़ के फेंक दे। तो दोस्तों अडानी, किसानी, जवानी, मोदी जी की 3 परेशानी है, तो बहुत सारी, अगले अगले अंकों में हम आपको ये सब बताते रहेंगे। तो आज मैंने किसान महापंचायत से जो चीज मुझे दिखी, आज अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है उसकी महापंचायत, तो मोदी जी की 3 परेशानी, अडानी, किसानी और जवानी, जवानी का मतलब बेरोजगार युवा, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है। दोस्तों थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से मैं अभिलाष अवस्थी
विदा लेता हूँ, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।